नागरिकता संशोधन कानून और एनसीआर को लेकर आम नागरिक सड़कों पर बड़े पैमाने पर उतर चुके हैं और देश भर में इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी हो रहा है। बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां भी अब खुलकर अपने विचार रख रही है। बॉलीवुड स्टार नवाब सैफ अली खान ने मोदी सरकार के देश में मौजूदा हालात पर खुलकर अपने विचार रखे। अपने ताजा इंटरव्यू में सैफ ने कहा है कि ये देखकर बड़ा दुख होता है कि देश के लोग गलत रवैया अपना रहे हैं, हमें भाईचारे के रास्ते से अलग किया जा रहा है। जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है उससे साफ हो रहा है कि देश से सेक्युलरिज्म का नामो निशान मिट जाएगा। सैफ ने ये बातें अपनी फिल्म तानाजी के प्रमोशन के दौरान कही। सैफ ने सीए पर बोलने वाले लोगों पर कहा कि अगर लोग किसी चीज का विरोध कर रहे हैं और तो उन्हें पीटा जा रहा है, वहीं जब कोई एक्टर स्टैंड लेता है तो उसका प्रभाव उसकी फिल्म पर पड़ता है, इसलिए ऐसे मुद्दों पर अपनी राय जाहिर नहीं करना सही होगा। यहाँ सैफ का इशारा दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक की ओर था, जिसका सत्ता पक्ष की तरफ से भारी विरोध किया गया है। बता दें कि फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर पर ऐतिहासिक तत्वों से छेड़छाड़ करने का आरोप लग रहा है। इस पर सैफ ने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा है कि फिल्म में उदयभान राठौर का किरदार बहुत आकर्षक लगा था, इसीलिए मैं फिल्म नहीं छोड़ पाया। पर इस पर उन्होंने ये भी कहा कि इसमें पॉलिटिकल नैरेटिव बदल गया है और वो खतरनाक है।